सो गाइज, आई होप आपको मेरी कश्मीर सीरीज़ की हाइलाइट्स पसंद आई होंगी। वेलकम टू द मिशन कश्मीर सीरीज़। और इस सीरीज़ का नाम मैंने मिशन कश्मीर इसलिए रखा है कि नॉर्मली लोग जो कश्मीर का ट्रैवल करने जाते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ नीलम वैली के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन नीलम अगर देखा जाए तो कश्मीर का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और कश्मीर के जो बाकी के नौ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं और बहुत कम लोग जो है वो उनके ऊपर वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस मिशन पर निकलूँ और पूरे के पूरे कश्मीर को, जिसमें इसके टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करूं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, एक एक तहसील में जाऊं, उनकी जो वहां पे अच्छी अच्छी जगह हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। तो इसलिए इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है मिशन कश्मीर सीरीज़। कश्मीर की अगर हम अर्ली हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बुद्धिज़्म था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हिंदुइज़्म आया और हिंदुइज़्म के बाद यहाँ पे इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन हो गया। जियोग्राफिकली अगर हम कश्मीर को देखें तो शुरू में जो जम्मू और कश्मीर की रियासत है सिर्फ ये कश्मीर का हिस्सा होती थी, जो इंडिया में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से लेकर पाकिस्तान के पंजाब एरिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रियासत फैलती गई और इसके बाद आज जो इंडिया के अंदर लद्दाख है और गिलगित बल्तिस्तान और चाइना का कुछ पोर्शन, ये पूरा का पूरा हिस्सा कश्मीर का पार्ट बनता गया। 1947 में आपको पता है कि पार्टीशन के बाद ये एरिया डिस्प्यूटेड हो गया, कुछ एरिया इंडिया के पास चला गया, कुछ एरिया पाकिस्तान के पास और कुछ चाइना के पास। तो इंडिया के पास अगर हम देखें तो कश्मीर का तकरीबन 45% एरिया जो है वो इंडिया के पास है, जिसमें जम्मू कश्मीर का पोर्शन और लद्दाख वाला पोर्शन। इसके बाद अगर आप पाकिस्तान का देखें तो 35% ऑफ कश्मीर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान के पास है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का पोर्शन और गिलगित बल्तिस्तान का पोर्शन, और 20% पोर्शन जो है वो चाइना के पास है, जिसमें आस्काई रीजन और कराकरम की जो पट्टी है वो चाइना के पास है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है तो इस वजह से जो हिस्सा दूसरे मुल्क के पास है वो दूसरा मुल्क उस हिस्से को ऑक्यूपाइड एरिया कहता है। तो जो हिस्सा इंडिया के पास है पाकिस्तान की नज़र में वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो इंडिया वालों की नज़र में ऑक्यूपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के पास। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर की जो एक स्ट्रिप पाकिस्तान के पास है क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये ट्रिप जो था मेरा पूरा एक महीने का था, जो सितंबर के अंदर मैंने पूरा ट्रैवल किया और आपके साथ मैं उस महीने में कोई वीडियो भी नहीं शेयर कर सका। बेसिकली मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया जो सबसे टॉप के ऊपर पहला डिस्ट्रिक्ट था नीलम, नीलम डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ मैं आया मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, फिर झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से होता हुआ फिर मैं आ गया हवेली डिस्ट्रिक्ट और फिर बाघ, पूंछ, सुधनती, और वहाँ से होता हुआ मैं आ गया कोटली, फिर कोटली के बाद मीरपुर, और मीरपुर से होता हुआ फाइनली मैंने कवर किया बिम्बर को। मेनली अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वैलीज़, लेक्स और ख़ूबसूरत जगह हैं नो डाउट वो आपकी नीलम वैली के अंदर ही हैं, लेकिन मैं आपको जब अपनी एपिसोड शेयर करूँगा जो बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं और आई होप आपको पसंद भी आएंगी जब मैं आपके साथ ये सीरीज़ शेयर करूँगा। तो इस पूरे ट्रिप में मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की इस ट्रिप को प्लान करने के लिए भी और एग्जीक्यूट करने में। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा valimall.pk का, जिन्होंने मुझे राइडिंग गियर्स प्रोवाइड किए अपने WM ब्रांड के, और उसमें राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज़ और स्पेशली मोटरसाइकिल का जो टैंक बैग है और टेल बैग जिसमें मैं सारा का सारा सामान लेके जाता हूं, जो कि प्रॉपर एक R&D प्रोडक्ट्स हैं WM ब्रांड की, वो मुझे उन्होंने प्रोवाइड की, जिससे मेरा पूरा ट्रैवल स्मूथ हुआ। और WM की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पर्सनल, वो आप 10% डिस्काउंट बीइंग अ ट्रैवलर के रेफरेंस से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया है। इसके बाद मेरी इस पूरे ट्रिप में जितनी ट्रैकिंग्स थी वो मुझे स्पॉन्सर की dominance.pk ने, और उसमें उन्होंने ट्रैकिंग बैग, ट्रैकिंग शूज़, ट्रैकिंग ट्राउज़र, ट्रैकिंग हेयर, ट्रैकिंग लाइट, जितनी भी ट्रैकिंग से रिलेटेड चीज़ें थी वो मुझे डोमिनेंस ने प्रोवाइड की, और आप भी उनकी वेबसाइट पे डिस्काउंट ले सकते हैं। मेरा अगर डिस्काउंट कोड BAT200 यूज़ करें तो फ्लैट 200 रुपीज़ हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया है। इसके अलावा प्लानिंग फेज़ के अंदर मुझे जो हेल्प की स्पेशली UK से इरफान भाई, जिन्होंने मुझे इस पूरी की पूरी जगहों की लिस्ट प्रोवाइड की। इसके अलावा ख्वाजा आमिर भाई, जिनका ताल्लुक बाग से है, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की जगहों की लिस्ट बनाने के अंदर। और फिर एग्जीक्यूशन के अगर मैं अंदर आ जाऊँ तो
शाहिद भट्टी जिनका ताल्लुक यूके और मीरपुर से है, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की ट्रिप को एग्जीक्यूट करने में। टूरिज़्म आज़ाद कश्मीर का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनके असिस्टेंट डायरेक्टर कमर अयूब, जिन्होंने मुझे काफ़ी जगहों की एक्सेस दिलवाई जहाँ पे नॉर्मली मुझे मुश्किल होना था जहाँ पे मैंने जाना था, और बाकी सब शहरों में जिन लोगों ने मुझे स्पेशली अपने शहरों को घुमाया, स्पेशली मेहरान, हमज़ा, नदीम इनहास जिन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की नीलम वैली को कवर करने के लिए, और इस तरह काफ़ी और लोग जो मुझे लोकल जगहों पे ऊपर मिलते रहे, और उन्होंने मुझे ड्यूरिंग द ट्रिप जहाँ जहाँ पे मेरी बाइक गिर जाती थी वहाँ पे मुझे हेल्प की, रास्ते बताए। मैं उनके नाम तो नहीं जानता लेकिन आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप सब तक अगर मेरी ये वीडियो पहुँचे तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस ट्रिप को एग्जीक्यूट करने का। काफ़ी जगहों पर मुझे मुश्किलें भी पेश आई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ये ओवरऑल ट्रिप रहा एक महीने का। सो ओवरऑल ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और आज से हमारी ये मिशन कश्मीर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वेडनेसडे और सैटरडे की नाइट 8 PM पे अपनी ये एपिसोड रिलीज़ किया करूँ। अगले 2 महीने से ज़्यादा ऑलमोस्ट ये हमारी सीरीज़ चलेगी और आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको शूट करने के लिए, बिकॉज एक नॉर्मल ट्रैवल होता है कि बंदा किसी एक जगह के ऊपर निकल जाता है और बस शूट करके आ जाता है, लेकिन ये क्योंकि एक मिशन था कि यार मैंने एक एक जगह को कवर करना है, काफ़ी ऐसी जगह थी जहाँ मैं फंस जाता था लेकिन फिर भी एक जो मिशन बनाया हुआ था मैंने उसको देखते हुए काफ़ी जगहों को जो है वो एक्सप्लोर किया और वीडियोस डेवलप की ताकि पूरे के पूरे कश्मीर को मैं आप सबके साथ जो है ना वो शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह हमारी आज से स्टार्ट हो रही है मिशन कश्मीर सीरीज़ स्टार्ट। जो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको चैनल का लिंक और ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी ये वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, बाहर UK में, USA में जितने भी हों उन सब के साथ शेयर करें ताकि हम अपनी कश्मीर की, पाकिस्तान की ब्यूटी जो है वो सबके साथ शेयर कर सकें। मिलता हूँ आपसे फिर इंशाल्लाह सैटरडे को 8 PM पे पहली एपिसोड के साथ।